फर्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. सेकंड ऑप्शन, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग. सी ऑप्शन, मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू फार्माकोलॉजिकल एजेंट. डी ऑप्शन, द स्टडी ऑफ कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी ऑफ न्यू ड्रग. ओके, द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, सेकंड क्वेश्चन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, साइक्लोप्लेजिया, पायरेक्सिया, फोटोफोबिया, डी ऑल ऑफ द एबो. प्लीज कमेंट यूर आंसर फास्ट. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबो इज द करेक्ट आंसर. थर्ड क्वेश्चन, एनाल्जेसिक प्रोवाइडेड नॉन स्पेसिफिक रिलीफ फ्रॉम द पेन डैश डैश विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, with loss of consciousness, without loss of sensation, with loss of sensation. करेक्ट आंसर इज विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड टॉक्सिक इफेक्ट. ए ऑप्शन कीमोथेरेपी, बी ऑप्शन टॉक्सिकोलॉजी, सी ऑप्शन फार्माकोकाइनेटिक, डी ऑप्शन फार्माकोथेरापेटिक्स. प्लीज कमेंट फास्ट. ये ऑफलाइन, जो ऑफलाइन वीडियो है ना उसमें आंसर मैं एक्सप्लेन करूंगा. अभी लाइव में एक्सप्लेन करने के लिए फिर क्वेश्चन हो गया हमारे, ऑफलाइन में मैं वो एक्सप्लेन करूंगा. And the correct answer is B, toxicology. Next question, Z-track injection is also called as A option intramuscular, B option subcutaneous, C intravenous, D transdermal. Z-track injection किस injection को कहा जाता है? Answer is intramuscular injection. Those injection which are given in 90 degree of angle, that injection is called as a Z-track injection. And answer is intramuscular injection. Next question, which of the following is active transport? नीचे गए दिए गए active transport कौन सा है? Simple diffusion, pore transport, ionic diffusion,
पंप ट्रांसपोर्ट। एंड करेक्ट आंसर इज पंप ट्रांसपोर्ट। ओके देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज ऑफ फैसिलिटेड डिफ्यूजन। नीचे दिए गए एग्जाम्पल में से कौन सा फैसिलिटेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 आने, देन वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन, डी एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरल प्रियो वैक्सीन। करेक्ट आंसर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज द एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बल्क लैक्सेटिव। ए ऑप्शन एक्टिवेटेड चारकोल, बी ऑप्शन मैनेटॉल, सी ऑप्शन इसबगोलास, डी ऑप्शन बेरियम सल्फेट। करेक्ट ऑप्शन है इसबगोल हस्क। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज रिवर्सिबल एंटी कोलिन स्टरेज। ऑप्शन ए एसिटिल कोलिन, ऑप्शन बी कार्बैकोल, ऑप्शन सी पिलोकार्पिन, ऑप्शन डी इड्रोपोनियम। आंसर करेक्ट आंसर इज ओके एड्रोपोनियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन ग्लाउकोमा। ऑप्शन ए नियोस्टिग्मिन, ऑप्शन बी डोनेपेजिल, ऑप्शन सी पिलोकार्पिन, ऑप्शन डी मिथाकोलिन। कमेंट द करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज पीलोकार्पिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ड्रग यूज इन कोबरा बाइट। कोबरा बाइट में कौन सा ड्रग यूज किया जाता है? ऑप्शन ए फाइसोस्टिग्मिन, ऑप्शन बी नियोस्टिग्मिन, ऑप्शन सी पीलोकार्पिन, ऑप्शन डी पैराथायोन। प्लीज कमेंट द करेक्ट ऑप्शन।
करेक्ट आंसर इज नियो स्टिग्मिन, कोबरा बाइट में कौन सा है, नियो स्टिग्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन पार्किंसन डिसीज, बेंजोट्रोपिन, हेक्सामिथोनियम, हायोसाइन, एट्रोपिन। प्लीज कमेंट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज बेंजोट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगोनिस्ट ऑफ अल्फा वन रिसेप्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगोनिस्ट ऑफ अल्फा वन रिसेप्टर। ऑप्शन क्लोनिडिन, डोलब्यूटामाइन, फिनिलनेफ्रिन, डी सालबेटामॉल। द करेक्ट आंसर कमेंट। करेक्ट आंसर इज फिनिलिपरेप्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ऑप्शन ए प्रोपेनॉल, ऑप्शन बी टीमोलोलॉल, ऑप्शन सी लैबेटोलॉल, ऑप्शन डी एटेनॉल। कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कौन सा है? करेक्ट आंसर इज एटेनॉल। ओके, कार्डियो सेलेक्टिव एटेनॉल। देन नेक्स्ट, योहम्बिन इज द एंटेगोनिस्ट ऑफ अल्फा वन बीटा वन, अल्फा टू बीटा टू। करेक्ट आंसर इज अल्फा टू, सी ऑप्शन। देन नेक्स्ट, हिस्टामाइन बायोसिंथेसिस फ्रॉम, ऑप्शन ए हिस्टिडीन, ऑप्शन बी ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन सी आर्जिनिन, ऑप्शन डी टायरोसाइन। एंड योर कमेंट योर करेक्ट आंसर। अपन करेक्ट लागला पाहिजे।
एंड योर करेक्ट आंसर इज हिस्टिडीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज सरफेस एनेस्थेटिक्स? ऑप्शन ए प्रोकेन, ऑप्शन बी बेंजोकेन, ऑप्शन सी ब्यूपीवैकेन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। करेक्ट आंसर इज बेंजोकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर? ओके, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ऑप्शन ए सक्सिनिल कोलिन, ऑप्शन बी क्यूनी, ऑप्शन सी डायजेपाम, ऑप्शन डी डी ट्यूबो क्यूरेरिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डी ट्यूबो क्यूरेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन पार्किंसन डिसीज? ब्रोमोक्रिप्टिन, फाइसोस्टिग्मिन, सेलेगिलिन, कार्बिडोपा। कौन सा यूज नहीं करते पार्किंसन डिसीज में, कौन सा यूज नहीं करते? करेक्ट आंसर इज फाइसोस्टिग्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द बीटा ब्लॉकर जो है एज ए एंटी एंजाइटी ड्रग। ओके, नीचे दिए गए में से कौन सा ऐसा बीटा ब्लॉकर है जो एंटी एंजाइटी ड्रग एज ए यूज किया जाता है? ए ऑप्शन डायजेपाम, बी ब्यूस पायरॉन, सी प्रोपेनोलॉल, डी अल्प्राजोलम। करेक्ट आंसर इज सी प्रोपेनोलॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज इन एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी। ऑप्शन ए इमिप्रामाइन, ऑप्शन बी सेरेट्रिन, ऑप्शन सी क्लोरगैलिन, ऑप्शन डी मोक्लोबिमाइड।
ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट का एग्जांपल कौन सा है? कॉम्प्ट का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ठीक है, देखिए, कैटेकोल ऑक्स मिथिल ट्रांसपरेज, कैटेकोल ऑक्सी मिथिल ट्रांसपरेज, सी ऑप्शन कैटेकोल ओ मिथिल ट्रांसपरेज, डी ऑप्शन कैटेकोल ओ मिथियोनिन ट्रांसपरेज। एंड करेक्ट आंसर इज कैटेकोल ओ मिथिल ट्रांसपरेज, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ए इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे दिया नहीं गया है, दैट इज द एड्रेनलिन। यहाँ पे क्या है? एड्रेनलिन है। नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि जो एड्रेनलिन का इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, बी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, सी हाइपरटेंशन, डी माइड्रियासिस। एड्रेनलिन का कौन सा इफेक्ट नहीं है नीचे दिए गए ऑप्शन में से? कौन सा इफेक्ट नहीं है यहाँ? करेक्ट ऑप्शन इज ए ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ये इफेक्ट नहीं है, ब्रोंको डायलेशन करता है एड्रेनलिन। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट गिवन थ्रू सबक्यूटेनस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रा आर्टिकुलर रूट, सबल्यूंगल रूट। कमेंट करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज डी सबल्यूबल रूट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, दीज आर द 25 क्वेश्चंस फ्रॉम फार्माकोलॉजी, बेसिक क्वेश्चंस है। आप कमेंट कर सकते हो कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट आए हैं, प्लीज कमेंट कीजिए। 25 में से कितने करेक्ट आए हैं? देखिए, आपको रॉन्ग क्यों हो रहा है, ये आपको क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से मालूम नहीं। आपको फोकस करना है क्लासिफिकेशन, ड्रग की यूजेस, ये दो चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए, और डेफिनेशन, ये तीन चीजें मैक्स आप ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, कितने करेक्ट आए आप, आपके है क्या, किसी के पास किसी ने क्या है कैलकुलेट किया है क्या? ओके, 18 प्रतीक जाधव। तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड के डिफरेंट यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, ये चीजें ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, और जो नए हैं वो कमेंट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अपने, और सभी स्टूडेंट को शेयर कीजिए। ठीक है, और जो मैं ऑफलाइन वीडियो डालूंगा उसमें मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। 10 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन 10 से 20 क्वेश्चन तैयार होते हैं उससे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की वजह से क्या होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आपको वहां पे मिलने वाले हैं वो भी। ठीक है, सभी को शेयर कीजिए हमारे चैनल के बारे में, सब्सक्राइब कीजिए, सभी को बताइए चैनल के बारे में, सभी स्टूडेंट को बेनिफिट होना चाहिए इसका, लाइक कीजिए सभी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स।